आपकी आवाज उठाई थी और इमरान खान को आपने प्रेजेंट किया था, तो इसके आप जिम्मेदार खुद हैं। अब आप दोबारा बाहर आ गए हैं, जिस तरह पीटीए के वर्कर के साथ हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि आप दोबारा जो है आवाज उठाएंगे जो गलत हो रहा है इस मुल्क के अंदर? इस वक्त ज्यादती किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है ज्यादती? पीटीए कारकुन के साथ, पीटीए के कारकुनान के साथ। तो मैं क्या कहूँ फिर कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है? भाई जब उनके साथ होगी तो वो कहेंगे, जब इनके साथ होगी तो ये कहेंगे। कुछ चीजों पे मुझे शर्मिंदगी हुई, मैंने उसके ऊपर माजरत भी की, लापता अफराद से, स्पेशली लापता अफराद के मामले पे। तो ये जो अभी एक तहरीक चली हुई है तुर्बत से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च, उनको सुनना चाहिए। हमारे लोग हैं, कहीं बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आ रहे हैं, जहां पहुंचे उनका इस्तकबाल कीजिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको खाना पानी पूछना चाहिए। मैंने बलूचों को सही तरह पहचाना जब मैं घर बनाने गया था बलूचिस्तान में। हम सबसे बहुत बेहतर और मेहमान नवाज लोग हैं, टूटे हुए घर में बकरा जिबा करके खिलाते हैं वो। बात समझ आ रही है? इमरान भाई, घर में बच्ची गाड़ी छत के नीचे आ गई थी, बच्ची फौत हो गई, वो टूटी हुई दीवार पे खड़ा था, हमें देखते ही उसने अपना दुम्बा जिबा कर दिया, छत नहीं बना पा रहा था, 25,000 का दुम्बा जिबा करके हमें खिला दिया। सर वो लोग आ रहे हैं तो वो मेहमान नवाज हैं, तो उनको शिकायत तो नहीं होनी। इमरान भाई आपके फैंस इंतजार कर रहे हैं आपके जोश और वलवले का, वो कब माशाल्लाह दोबारा हमें नजर आएगा? मैं वैसे ही हूँ यार, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे, आप लोग दुआ करें। सर आपने बताया कि लोग जाए नमाज में दुआ मांगते हैं, एक सवाल बहन कोई पूछ रही है। इमरान भाई, माओ ने बहुत ज्यादा दुआएं की थी आपके लिए, खासतौर पर रो रो के, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे, उन माओ को, उन बहनों को और उन बेटियों को? मैं उन्हें कह के गया था कि मैं वापस आऊंगा, दुआ करें आप लोग ना। मैं आखिरी वीडियो में मैंने कहा था अपनी माओ को, बहनों को, बेटियों को कि आप लोग दुआ करें, आपकी अल्लाह सुनता है ज्यादा। मुझे किसी चीज का यकीन नहीं भी था, तो एक बात का तो था कि दुआएं तो मेरे लिए हो रही हैं, और मैं अल्लाह से एक दुआ करता था कि या अल्लाह जो लोग दुआएं कर रहे हैं उनकी दुआएं कबूल कर दें।